नमस्कार, मैं सरोज परब आप सभी का परब किचन में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ मालवण में फेमस मालवणी फिश कड़ी। आज मैं आपको बताऊंगी कि मालवणी फिश कड़ी कैसे बनाई जाती है, जिसे मालवणी में माशाचा रस्सा बोला जाता है। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी होती है और बनाने में आसान होती है। मालवणी फिश कड़ी बनाने के लिए जो सामग्री लगती है वो देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिए हैं 10 से 15 पानी में भिगो के रखी हुई लाल मिर्च, आधा टेबलस्पून अक्खा धनिया, एक वाटी किसा हुआ नारियल, एक वाटी छोटा कटा हुआ प्याज, 5 से 6 लहसुन, आधा इंच अदरक, 4-5 त्रिफल। सबसे पहले इसमें ये त्रिफला डाल देती हूँ, उसके बाद लहसुन और ये अदरक, और हाँ, भिगोया हुआ धनिया भी हमें इसमें ऐड करना है। हमारे ये जो भिगोए हुए मसाले हैं, इसे हम मिक्सी के बाउल में निकाल लेते हैं और इसकी अच्छे से पेस्ट बना लेते हैं। तो हमें हमारी पेस्ट अच्छे से ग्राइंड होने के लिए थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करना होगा, जिससे कि हमारी ग्राइंड अच्छे से हो जाए। हमारी पेस्ट रेडी है, इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। दूसरी पेस्ट के लिए हम मिक्सी बाउल में डालेंगे कटी हुई प्याज और किसा हुआ नारियल। हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। अब हम ग्राइंड कर लेते हैं। हमारी पेस्ट रेडी है, इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। मैंने यहाँ पे 7-8 पीसेस सुरमई मच्छी के लिए है, जिसे मैंने अच्छे से धो लिया है, साफ कर लिया है। मैंने इसमें 1 चम्मच नमक और कोकम रस डाल के 10 मिनट तक मच्छी को मैरिनेशन के लिए रख दिया था। तो अभी हमने सामग्री देख ली है, तो चलिए अब मालवणी फिश कड़ी कैसे बना दिए उसकी शुरुआत करते हैं। हम अपना गैस चला लेते हैं। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, तो सबसे पहले हम तड़के के लिए थोड़ा तेल डाल देते हैं। थोड़ा सा ही तेल डालना है, ज़्यादा नहीं। फ्रेश लहसुन है, उसका तड़का देंगे। फ्रेश लहसुन डालने की वजह से फिश कड़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा गोल्डन कलर हो चुका है। अब हम लाल मिर्च पेस्ट का मसाला इसी तेल में अच्छे से भून लेते हैं। इसको थोड़ा सा हिला लेना चाहिए, और यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए, थोड़ा भी पानी मिक्स मत कीजिए। जब ये पेस्ट इस तरीके से तेल छोड़ने लगे, तब अब अपना जो सेकंड पेस्ट है वो इसमें डालेंगे। बट इस प्रोसेस में भी आपको पानी नहीं डालना है। नारियल और जो ये हमारा मिर्ची का पेस्ट है, इसमें बिल्कुल पानी नहीं मिलाना चाहिए। इसको तेल में ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना चाहिए। ये टेक्निक मेरी आजी ने मुझे सिखाई थी। इससे जो हमारी मालवणी फिश कड़ी है, उसको एक बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है और एक बहुत अच्छा उसको कलर भी आएगा। तो अभी ये अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है, तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते हैं। अब ये जो हमारे फिश कड़ी है, उसमें बॉईल आना चाहिए, तभी हम इसमें फिश ऐड करते हैं। इसलिए बॉईल आने के लिए के ऊपर हम अपना ये ढक्कन रख लेते हैं, और ढक्कन रख के थोड़ा गैस को मीडियम आंच पे रख देते हैं। ये मालवणी फिश करी में बॉईल आ चुका है, अब हम इसमें सुरमई का पीस ऐड कर देते हैं। मालवणी फिश करी में फिश तभी ऐड करना है जब फिश करी में बॉईल आए। अगर हम पहले से फिश ऐड करेंगे तो फिश बहुत ज़्यादा पक जाता है और फिश के पीसेस के टुकड़े हो जाते हैं। मेरी दादी ने मुझे बताया था कि ये फिश करी में कोकम ऐड करने से 3 फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा कि हम जब मार्केट से फिश लेके आते हैं, तो फिश में एक अजीब तरीके का स्मेल होता है, तो वो स्मेल निकल जाता है। कोकम का दूसरा फायदा ये है कि कोकम को हम ऐसे पीसेस करके डालेंगे, इस वजह से हमारी जो मालवणी फिश करी है उसको एक खट्टा मीठा टेस्ट भी आ जाएगा,
और आपके एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि ये कोकम डालने की वजह से क्या होता है, जो गले में जो हमें खराश या खुजली आती है वो कोकम की वजह से कम हो जाती है। फिश करी में कोकम डालने के ये जो तीन तरीके के फायदे हैं ये मेरी दादी ने मुझे बताए तो थे, बट मुझे साइंटिफिकली पता नहीं है कि ये सही है या नहीं है, बट मैंने जब ट्राई किया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि सही है। इसमें एक खट्टा मीठा सा टेस्ट तो आ जाता है और गले में खराश नहीं होती। इसमें नमक ऐड कर देंगे, पर याद रखिए नमक थोड़ा कम ही डालिए, क्योंकि हमने जब फिश धोए थे आपको याद होगा धोने के बाद फिश को हमने नमक लगा के 10-15 मिनट रखा था, इसलिए ये नमक थोड़ा सा अंदाज से थोड़ा कम होना चाहिए। मैंने आपको कोकण में बनने वाली फेमस फिश कड़ी आसान तरीके से कैसे घर पे बना सकते हैं वो तो आपको बता दिया है, बट अगर आप कभी कोकण में जाओ तो ये कोकण में मिलने वाली फिश करी जरूर ट्राई कीजिए, और हाँ अपने घर में भी जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स में बता दीजिए कि आपको इसका टेस्ट कैसे लगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि शेयर करने से ही तो मुझे पता चलेगा कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है या नहीं। तो चलिए मिलते हैं अगली बार कुछ नई और कुछ नए तरीके से बनाने वाली नई रेसिपी के साथ।